बहुत हिम्मत वाले बच्चे। हुकूमत से क्या कहोगे, क्या कहोगे हुकूमत से, पुलिस वालों से, हुक्मरानों से, अदालतों से? सबसे मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि कर्सल जो है, जिन्होंने मेरे भाई का कत्ल किया है, इनको फांसी होनी चाहिए, इससे कम कोई सजा नहीं है इनके लिए। वो बेहोश हो गया, उसको उठा के उसको अंदर ले गया, आधे पौने घंटे बाद उसको उसकी चीखों की आवाज़ आने लगी। मैं 10-15 मिनट चीखों की आवाज़ आती रही है। हमने बहुत कोशिश की है, अंदर या बाहर कुछ भी नहीं, अंदर से भी बांध था, बाहर से भी बांध था। जाके मैं दरवाजा खुल गया था, मैंने जाके देखा उसकी टांगें उन्होंने बांधी हुई थी और वो बेहोश था, उसके हाथ धोने इस तरह पड़े थे, इस तरह लेटा हुआ था सीधा। मैं नाश्ता करना, मैंने नाश्ता नहीं किया सुबह का। उसके बाद कहते हैं आप चलो घर चल जाओ, लेकिन आपने घर जाके ये नहीं पाना जो आपको सुबह सारा वाक्य, आपने घर जाके ये नहीं पाना। नहीं तो जब बच्चे को, अनस को कारी अंदर कमरे में ले गए थे, कितनी देर आवाजें आती रही चीजें? 10-15 मिनट। और जब कमरे में आप फिर गए दोबारा चेक करने के लिए? नए कमरे में नहीं जाने दिया उसको, छुट्टी हो गई थी, छुट्टी हुई तो हम मैं घर जाकर ने बुलाया, कर्सल कहते आपने घर नहीं जाया। मैंने कहा कर्सल मैंने नाश्ता करना सुबह का, मैंने नाश्ता नहीं किया। तो सुबह कहते चलो आप घर जाइए, लेकिन आपने घर जाके ये नहीं बताना जो आपके साथ सारा हुआ, क्यों आपने घर जाके नहीं बताना, अगर आपने बताया तो आपका भी यही हाल होगा जो इसका हुआ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ैन इम्तियाज़ आपकी खिदमत में हाजिर, और आप देख रहे हैं डिजिटल अलायंस। नाज़रीन, मदरसे से एक दिन छुट्टी करना तालिब इल्म के लिए मौत का सबब बन गया, और लम्हे फिक्रिया ये है कि इतना बेईमाना कारी की जानिब से तशद्दुद किया गया कि बच्चा खालिक हकीकी से जा मिला। मेरे साथ अशर मौजूद है जो कि मकतूल अनस का छोटा भाई है, और वो भी दीन की तालीम हासिल कर रहा था। अशर अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मुझे ये बताओ, आप दोनों मिलकर ही मदरसे गए? हाँ जी मिलकर गए। क्या हुआ, क्या वहाँ पर जाते साथ क्या हुआ? गए हम 6 बजे गए थे सुबह, तो 7 बजे घर सब आया, तो आते सारे उन्होंने भाई को कहा जाके सोटी लेके आओ, नहीं गया उन्होंने, फिर गया जाके सोटी लेके आओ, सोटी लेके आया तो उन्होंने उसको भी मारा, मुझे भी मारा, वो बेहोश हो गया। नहीं, आपको कितने डंडे मारे हैं? 3 मारे थे। कहाँ पे, हाथ पे? हाथ पे। उसके बाद वो बेहोश हो गया, उसको उठा के उसको अंदर ले गया, आधे पौने घंटे बाद उसको उसकी चीखों की आवाज़ आने लगी। हमें 10-15 मिनट चीखों की आवाज़ आती रही है। हमने बहुत कोशिश की है, अंदर या बाहर कुछ भी नहीं, अंदर से भी बांध था, बाहर से भी बांध था। फिर हम जाके बैठ गए, कर्सल आया, कहते हैं हमें लगा कि उसको कोई जिन्नात का सर, तो हम दम करवा रहे थे। तो फिर मैं बैठ गया जाके, तो उसके बाद छुट्टी का टाइम हो गया, 11 बज गए थे। तो मैंने घर जा रहा था, कर्सल ने बुलाया मुझे, कहते हैं आपने घर क्यों जा रहे हो, आपने घर नहीं जाना, आप इधर ही रहो। अच्छा कितने बजे का टाइम था ये? 11 बजे का। यानी कि 11 बजे आपको छुट्टी हो जाती है? हाँ जी। लेकिन अनस वहीं पे पढ़ता रहता है। हाँ जी। अनस को कब छुट्टी होती है? ब्रेक हो जाती है हमारी, मतलब 11 बजे से 1 बजे तक। हाँ जी ब्रेक हो जाती है। तो फिर मैंने कहा मैं नाश्ता करना, मैंने नाश्ता नहीं किया सुबह का। उसके बाद कहते हैं आप चलो घर चल जाओ, लेकिन आपने घर जाके ये नहीं पाना जो आपको सुबह सारा वाक्य, आपने घर जाके ये नहीं पाना। नहीं तो जब बच्चे को, अनस को कारी अंदर कमरे में ले गए थे, कितनी देर आवाजें आती रही चीजें? 10-15 मिनट। और जब कमरे में आप फिर गए दोबारा चेक करने के लिए? नए कमरे में नहीं जाने दिया उसको, छुट्टी हो गई थी, छुट्टी हुई तो हम मैं घर जाकर ने बुलाया, कर्सल कहते आपने घर नहीं जाया। मैंने कहा कर्सल मैंने नाश्ता करना सुबह का, मैंने नाश्ता नहीं किया। तो सुबह कहते चलो आप घर जाइए, लेकिन आपने घर जाके ये नहीं बताना जो आपके साथ सारा हुआ, क्यों आपने घर जाके नहीं बताना, अगर आपने बताया तो आपका भी यही हाल होगा जो इसका हुआ। यानी कि ये कारी ने कहा कि अगर आपने घर जाके ये बताया तो मैं आपको इससे भी ज्यादा मारूंगा? हाँ जी। तो मैं डर गया, फिर मैंने घर आके कहते उनको आपने घर जाके कहना है कि ना नाथ की तैयारी कर रहा, तो मैंने इस तरह आके घर जाके कह दिया। तो मैं जल्दी वापस चला गया मदरसे जाके, मैंने देखा दरवाजा खुला। अशर एक मिनट नाज़रीन, यहाँ पर मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि दीन हमें सच बोलने की तलकीन देता है, और खुसूसन जो हिफ्ज कर रहे होते हैं, जो दीन की तालीम हासिल कर रहे होते हैं, उनको पहला सबक सच बोलना सिखाया जाता है। लेकिन लम्हा फिक्रिया यह है कि बच्चे को ये बताया जा रहा है कि अनस के ऊपर जो तशद्दुद हुआ है वो नहीं बताना, बल्कि ये बताना है कि वो नाद की तैयारी कर रहे हैं। मेरी अक्ल इजाजत नहीं दे रही कि क्या दीन की तालीम ऐसे दी जाती है कि कारी जो दीन की तालीम दे रहा है वो खुद झूठ बोलने पर मजबूर कर रहे हैं। फिर क्या, यानी कि जब आप घर आ गए,
आपने घर आकर फिर क्या कहा? मैंने इतना ही कह दिया कि वो रात की तैयारी कर रहा है उसके उसके बाद फिर मैं जल्दी वापस आया गया। जाके मैंने दरवाजा खुल गया था, मैंने जाके देखा उसकी टांगे उन्होंने बांधी हुई थी और वो बेहोश था, उसके हाथ उन्होंने इस तरह पड़े थे, इस तरह लेटा हुआ था सीधा, तो सुबह का इसी तरह लेटा हुआ था उसके हाथ, मैंने उसके पेट पर फिर इस तरह हो गया, अकड़ गए थे उसके हाथ, तो कसब आया मैंने कहा हॉस्पिटल लेके जा रहे इसको, सुबह का इस तरह बेहोश पड़ा हुआ था, इसका जिसम भी अकड़ा हुआ ठंडा हुआ है बिल्कुल जिसम, तो कहते आप जाके बैठो पड़ो, तो हम वो डॉक्टर को बुलाते हो चेक कर लेते, डॉक्टर आया उसको उसने ड्रिप लगा दिए चला गया, ऐसे भी नमाज के टाइम तक ड्रिप चलती रही, चंगा जब ड्रिप खत्म होगी तो बच्चे को होश आ जाएगी, तो नहीं होश आई तो उसके बाद फिर उसको लेके चले गए हॉस्पिटल, असर की नमाज के बाद 6 बजे तक उसको हॉस्पिटल ले गए। सुबह ये 10 बजे का मामला है, 7 बजे 7 बजे हाँ जी 7 बजे का मामला और बच्चे को अस्पताल 6 बजे लेकर जाया जा रहा है, फिर उसके बाद मुझे नहीं पता, उसके बाद ले गए थे हॉस्पिटल। नहीं तो मुझे ये बताओ कि कारी पहले भी बच्चों को इसी तरह मारता था? हाँ जी पहले भी मारते बच्चे, पहले यानी कि आपके ऊपर 3 डंडे आपको हाथ पे मारे, इसके अलावा और भी पहले भी मारते थे? इसके अलावा बहुत मारा पहले। तो आपने घर कभी नहीं बताया? बताया था मैंने एक दफा, बाबा ने आए उनको सख्ती से मना कर दिया था, अगर आपने इस तरह कहा मैं उठा लूंगा यहाँ से, उसके बाद फिर ऐसा मतलब कि 1 या 2 हल्के हल्के डंडे। भाइयों का आपस में बहुत प्यार होता है, आप उसके साथ खेलते भी थे? हाँ जी खेल। क्या खेलते थे? क्रिकेट खेल रहे थे, कभी फुटबॉल। याद आती है भाई, रोते हो फिर? क्या ख्याल क्या आता है जब भाई की याद आती है? क्या याद क्या आती है, क्या बातें याद आती है, भाई कैसे बात करते हैं? बड़े भाई की कमी महसूस होती है, वो क्या कहता है, क्या उसकी क्या बातें होती है, क्या कहता था आपसे? बहुत हिम्मत वाले हो बच्चे, हुकूमत से क्या कहोगे, क्या कहोगे हुकूमत से, पुलिस वालों से, हुक्मरानों से, अदालतों से? सबसे मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि कसा जो है जिन्होंने मेरे भाई का कत्ल किया है इनको फांसी होनी चाहिए, इससे कम कोई सजा नहीं है इनके लिए। नाज़रीन ये वो बच्चा है अशर जो कि अनस के साथ मदरसे जाता था, पढ़ता था और कुरान की तालीम हासिल करता था, और इसकी सारी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की है कि छोटे भाई बड़े भाई से कितनी मोहब्बत करते हैं, और इस बच्चे के जो आंसू हैं वो आंसू जो हैं वो ज़मीन पर गिर रहे हैं, और यकीन कर लें कि बहुत मुश्किल है अशर के आंसुओं को भी संभालना। लम्हा फिक्रिया ये है कि ये बच्चा अभी भी जो है इंसाफ का तलबगार है। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में, अल्लाह के पास।